हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल लिया है और पोछा भी लगा लिया है, तो अब मैं बना रही हूँ खाना। मैंने मिर्ची टमाटर की सब्जी बनाई थी और अब बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ, और हस्बैंड ने भी अभी तक खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, तो मैं दोनों का एक साथ ही बना रही हूँ खाना। तो मैंने बना लिया खाना और हमारा खाना भी हो गया। मैंने खाना भी खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया, और मैंने सारे बर्तन को भी वॉश करके रख दिए धो। और मैंने अब मैं करूँगी नहाने धोने की तैयारी। तो मैं नहा धो के कंप्लीट हो चुकी हूँ और मैंने सारे कपड़े वपड़े वॉश कर लिए हैं, बैग वगैरह सभी। और अब मैं जा रही हूँ रेत और सीमेंट लेने। अब मैं रेत और सीमेंट का क्या करूँगी वो आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम रेत और सीमेंट लेने। तो मैं लेके आ गई सीमेंट और रेत, मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और अब मेरा जो चूल्हा है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैं इसको करूँगी सही सीमेंट लगा के। मैंने कभी लगाया तो नहीं सीमेंट, फिर भी कोशिश करती हूँ लगता है या नहीं लगता है, देखते हैं। तो मैंने सीमेंट और रेत को एक साथ मिलाकर मैंने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया, और मैं पानी इतना ही डालूंगी जितना कि इसमें गाढ़ा गाढ़ा घोल रह सके। तो मैंने चूल्हे में पानी डाल दिया है, और मैंने चूल्हा पहले इसके ऊपर ही लगाने की सोची थी, लेकिन क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मोटा हो जाएगा चूल्हा, तो फिर मैंने मिट्टी मिट्टी को हटा दिया था। और फिर मैंने बस अंदर अंदर के पार्ट पर रखा, और इस मैंने सोचा इसके ऊपर ही लगा देंगे ताकि मोटा भी ना हो। तो फिर मैंने सारी मिट्टी को हटा दी यहाँ से, और फिर मैंने चूल्हे पर सीमेंट लगाना शुरू किया। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ। एक साथ लगाने से क्या है कि मतलब सीमेंट फैल जाता है, सही सेट नहीं हो जाता। थोड़ा थोड़ा लगाने से क्या है कि वो सेट हो जाता है, तो फिर आसानी से लग भी जाता है। बस मैंने आधार बना के चूल्हे में लगा दिया सीमेंट। मैंने पहले कभी नहीं लगाया था सीमेंट, और मैंने चूल्हा सीमेंट का कभी भी नहीं बनाया, फर्स्ट बार बना रही हूँ। मन में डर सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा बनेगा चूल्हा, बनेगा भी या बिगड़ेगा, क्योंकि अभी सीजन मक्के की रोटी का आ गया ना, तो मक्के की रोटी खाने के लिए तो चूल्हे से ही मक्के की रोटी बनती है, तो फिर चूल्हा तो चाहिए ना, इसलिए फिर मैं सीमेंट का ही बना रही हूँ। क्योंकि मैं फर्श वगैरह धोती हूँ, तो फिर मिट्टी का चूल्हे से क्या है ना, वो पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है फर्श में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं ये सोचा कि सीमेंट का ही चूल्हा बना लूँ, तो फिर मैं बना रही हूँ। और अब मैं मतलब इसके पॉलिश कर रही हूँ भाई, थोड़ा अच्छा दिखे चूल्हा। तो लगभग मेरा चूल्हा कंप्लीट होने में है। प्लीज़ गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरा चूल्हा कैसा बन रहा है कमेंट में भी बताना कि अच्छा है या बुरा। तो फाइनली हमारा चूल्हा कंप्लीट हो चुका है, मैंने बना लिया है चूल्हा। मेरे से तो मेरे को लगा था मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन बन गया देखो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं बना रही हूँ खाना। मैं आज बना रही हूँ पालक की सब्जी, और मैंने मसाला पका लिया है। और अब मैं पालक को उबाल भी लिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी। तो मैंने पीस लिया है इसको, अब मैं डाल दूंगी इसको सब्जी में, फिर बनाएंगे हम रोटियां। तो
अभी हम सब खाना खा रहे हैं। अंशु ने तो मना ही कर दिया था कि मेरे को खाना नहीं खाना, लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि पटाखे नहीं मिलेंगे अगर खाना नहीं खाएगा, तो फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। तो हमारा खाना वाना हो गया और मैं अब कपड़े फोल्ड करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ना दिवाली में मेरे मतलब कमरे की सफाई की ना, तो फिर मेरे सारे कपड़ों को ना एक गिठा में बांध के रख दिया और मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इनको कब समेटूँ। तो मैंने सोचा कि इनको नाइट में ही समेटना पड़ेगा, तो फिर मैं आज समेट रही हूँ उनको, क्योंकि रोज़ ऐसे करते 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 मेरे को दो दिन तो निकल ही गए। तो मैं अब समेट रही हूँ इन सारे कपड़ों को। मुझे सबसे ज़्यादा आलस कपड़े समेटने में आता है, तो मैं सोच रही थी आज समेटूँ कल समेटूँ, तो ऐसे करते करते मैंने फिर आज समेटना शुरू किया। मेरे पेटीकोट को एक तरफ, साड़ियों को एक तरफ और मेरे लहंगा चुन्नी को एक तरफ समेट दिए अलग अलग, और ब्लाउज वगैरह वो सबको अलग एक समेटना शुरू कर दिया। और अपने अलमारियों में इनको सबको अलग अलग तरीके से जमा रही हूँ। पेटीकोट को एक साइड, लहंगा चुन्नी को एक साइड, ब्लाउज को एक साइड और मैं साड़ी को एक साइड समेटना शुरू कर दिया। सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, ये देख सकते हो आप अच्छे से। तो मैंने समेट दिए सारे कपड़े और मैंने जमा भी दिए, देख लो। बहुत टाइम लगा मेरे को, कम से कम एक घंटा। और ये निकाले मैंने ख़राब हुए कपड़े, मतलब इनको मैं रख दूँगी मतलब। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए गुड नाइट।